हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा मीम कॉइन लेकर आए हैं जो आने वाले टाइम में आपको एक बड़ा प्रॉफिट निकाल कर दे सकता है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में मीम कॉइन्स को रखते हैं, जो कि रखना भी चाहिए, तो आपको इस कॉइन को कुछ क्वांटिटी में ऐड करना चाहिए। अगर प्राइस की बात करें तो काफ़ी कम प्राइस में अवेलेबल है। अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लगभग आपको वहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा कॉइन मिल जाएंगे। और जैसा कि शिबा इनू कॉइन ने अक्टूबर के महीने में एक अच्छा प्रॉफिट निकाल कर दिया था, हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में इस कॉइन में भी आपको एक बड़ी रैली देखने को मिल जाए। किस एक्सचेंज से आपको इसे बाय करना है, पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाएं। साथ ही दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसे भी ज्वाइन कर ले। वहां पर भी आपको क्रिप्टो से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले प्राप्त होगी। तो दोस्तों, हम यहां पर बात कर रहे हैं कुमा इनू कॉइन की। अगर आप इसका प्राइस देखें, 0.000099 इंडियन रुपीज पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। मार्केट रैंक 3468 है। और अगर वॉच लिस्ट की बात करें तो अच्छी खासी लगभग 4,93,757 लोगों ने अपनी वॉच लिस्ट में इस कॉइन को रखा हुआ है। 24 आवर्स में प्राइस लगभग 10% डाउन में आया हुआ है। अगर हम बात करें 24 आवर्स हाई की, तो आप देख सकते हैं 0.000011 तक गया हुआ है। और अगर लो की बात करें तो 98, मतलब 10 यहां से इसके प्राइस में ऐसा हुआ है। अगर हम 1 मंथ की बात करें तो भी आप देख सकते हैं लगभग यहां पर 0.00007 का इसने हाई टच किया हुआ है। लोवेस्ट प्राइस की अगर हम बात करें 1 मंथ की, तो अभी आप देख सकते हैं ये 1 मंथ के लोवेस्ट प्राइस पर अवेलेबल है। और अगर हम 1 ईयर की बात करें तो आप देख सकते हैं 0.00043 का हाई टच किया हुआ है। मतलब अभी तक इतना ज्यादा ऊपर की ओर नहीं गया है। हम यहां पर 3 मंथ का चार्ट भी देख लेते हैं दोस्तों, जहां पर जो इसका प्राइस है लगभग 0.00004 तक गया है, जो इसका ऑल टाइम हाई है उससे अभी लगभग डाउन में मिल रहा है। मतलब जहां से इसने शुरुआत की थी लगभग उसी रेंज में ये फिर से आपको मिल सकता है। अगर हम बात करें प्राइस की, तो काफी कम प्राइस में अवेलेबल है। और 100 रुपए में आपको लगभग यहां पर 1 करोड़ से ज्यादा कॉइन मिल जाएंगे। दोस्तों, मीम कॉइन और मीम कॉइन में उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपके पास एक्स्ट्रा हो। मतलब अगर आपका पोर्टफोलियो यहां पर $1,000 का है तो 10% आप उसमें लगा सकते हैं। और आपको मीम कॉइन्स को जरूर रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, और कुछ क्वांटिटीज में आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन पहले आप खुद भी रिसर्च कर ले, किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही आप किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करें। अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें, लगभग 24% यहां पर बढ़ा हुआ है। अगर बात करें यहां पर ऑल टाइम हाई की दोस्तों, तो उससे अभी लगभग ये चल रहा है 77% कम, जो 2 महीने पहले गया था। अभी अगर आप देखें तो ये 1 महीने के लोवेस्ट प्राइस पर अवेलेबल है। बात करें एक्सचेंजेस की, तो यहां पर आप देख सकते हैं ZT पर अवेलेबल है। इसके अलावा Gate.io सबसे बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि यहां पर हर एक मीम कॉइन आपको मिल जाएगा। यहां पर USDT के पेयर में आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। यूनिस्वैप पर भी अवेलेबल है। इसके अलावा AOFX पर भी ये अवेलेबल है, तो वहां से भी आप इसे परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, प्राइस काफी कम है, और जिस प्रकार की रैली अभी आपने लास्ट कुछ मंथ में मीम कॉइंस में देखी थी, इसमें इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई है। मतलब बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, बहुत कम लोगों ने इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ है। वॉच लिस्ट आप देख सकते हैं लगभग 4.5 लाख लोगों से ज्यादा की है। तो यहां पर आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग एंट्री करते हुए भी नजर आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मीम कॉइन की एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि ये यहां पर भरोसे लायक नहीं होते हैं। मतलब इनका प्राइस कभी भी डाउन होता है तो फिर अच्छा खासा डाउन में चले जाता है। लेकिन अगर आप इनमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको एक बड़ा प्रॉफिट भी निकाल कर दे दे। अगर हम इनके ट्विटर हैंडल की बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहां पर इनके लगभग 50,000 फॉलोअर्स, एक अच्छे खासे फॉलोअर्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। हम आ चुके हैं कुमा इनू के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर, और अगर आप देखें तो यहां पर इनके द्वारा बर्न इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हम बर्न इवेंट की ओर भी चलते हैं, और यहां पर अगर आप देखें तो जो बर्निंग की गई है लगभग यहां पर एक अच्छी खासी क्वांटिटी में इसकी बर्निंग भी की गई है। ट्रांजेक्शन एड्रेस भी यहां पर शेयर किया गया है, तो यहां पर बर्निंग भी की जा रही है। इसके अलावा जो टॉप 30 ट्रेंडिंग सर्चेस थी कॉइन जेको की, उसकी लिस्ट में यहां पर कुमा इनू भी देखने को मिला था। और इसका जो मार्केट कैप है दोस्तों, वो लगभग $25 मिलियन था। मतलब यहां पर मार्केट कैप अभी इतना ज्यादा नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसकी यहां पर शुरुआत हुई है। इसके अलावा BC.game पर भी कुमा अवेलेबल हो चुका है एलन के साथ में। अगर हम BC.game की बात करें तो आप देख सकते हैं यहां पर इनके लगभग 32,000 फॉलोअर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो कुमा यहां पर शुरुआत करता हुआ नजर आ रहा है, तो कुछ क्वांटिटीज में आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। टॉप 15 मीम गेनर्स की लिस्ट में अगर आप देखें तो यहां पर नवंबर के महीने में ये आपको 3rd नंबर पर देखने को मिलेगा, जहां पर एक अच्छी खासी रेंज इसके प्राइस में आपको देखने को मिलेगी। अच्छा खासा इसका प्राइस वहां पर पंप हुआ था, और जो इसका मार्केट कैप था वो लगभग $38 मिलियन तक पहुंच गया है। और अगर हम इनके होल्डर्स की बात करें तो होल्डर्स की संख्या यहां पर लगभग 25,000 होने वाली है। मतलब होल्डर्स भी अभी इतने ज्यादा जुड़े नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, आप इस कॉइन की कुछ क्वांटिटीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते, लेकिन ऐड करने से पहले आप खुद भी रिसर्च करिए, उसी के बाद किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करें। दोस्तों,
दोस्तों और कोई भी अपडेट निकल कर आती है क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी हुई तो हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे, तो चैनल से जुड़ जाएं, साथ ही दोस्तों टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब हम आपको मिलते हैं किसी और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।